नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। उत्तराखंड बारिश से बेहाल। जी हाँ, देहरादून से प्रदेश में हुई तेज बारिश से कई इलाके में आपदा जैसी स्थिति बन गई है। वहीं कुमाऊं में बारिश से जलभराव की स्थिति, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और गर्म पानी इलाके में 30 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते एसटीआरएफ ने 550 लोगों को रेस्क्यू किया और ऊधम सिंह नगर में मलबे में दबे एक शव को निकाला गया है। वहीं नैनीताल के रामगढ़ में 5 लोगों की मलबे में दबने की सूचना है और रेस्क्यू यहां पर जारी है। इसी तरह केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच फंसे 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गंगोत्री में 29 ट्रैक्टर फंसे होने की सूचना के बाद एसटीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रदेश में बारिश और बादल फटने की वजह से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हो रही बारिश को लेकर अलर्ट मूड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना की भी मदद मांगी, जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर कुमाऊं और 1 हेलीकॉप्टर गढ़वाल में तैनात होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि समय घबराने का नहीं है, धैर्य बनाए रखें, सरकार पूरी तरीके से आप सभी लोगों के साथ है। अभी बारिश काफी तेज है और उसके कारण से काफी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर घर टूट गए हैं। लोग विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें। और इसमें नैनीताल में भी, मुक्तेश्वर में जो रामगढ़ एरिया में क्लोड बस वगैरह होने के लिए सूचना है, उसमें भी 5 लोगों का अभी मतलब डेथ होने के लिए कंफर्मेशन है, लेकिन और भी कुछ लोग हैं कहीं पे मलवा वगैरह में दबे हुए हैं, उनका रेस्क्यू के लिए कार्रवाई चल रही है। तो इसके अलावा एक डेथ है, एक मिसिंग है, ऊधम सिंह नगर में बाजपुर एरिया में रिपोर्टेड है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नुकसान की सचिवालय पहुंचकर जानकारी ली और साथ ही आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं सीएम धामी ने और बचाव कार्यों के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हुए नुकसान का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बारिश में हवाई दौरा किया, निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि से नुकसान और कई स्थानों पर चल रही राहत बचाव कार्य को देखा और उस पर नजरें बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर भी नुकसान और राहत बचाव की जानकारी ली। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लंगासू के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से ये बंद हो गया है। दोपहर करीब 1:45 बजे के आसपास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर गया था। गनीमत ये रही कि इस दौरान हाईवे से कोई नहीं गुजर रहा था। मशीनों के द्वारा हाईवे को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मलबा आने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। टनकपुर क्षेत्र में बहने वाली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी ने विशाल रूप ले लिया है। नदी के किनारे रहने वालों के घरों में शारदा का पानी घुस गया है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नदी के किनारे बसे लोगों का रेस्क्यू चला रहा है। पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है और अपने घरों में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। निरीक्षण करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि नाजुक स्थिति बनी हुई है। जवानों और स्थानीय पुलिस के द्वारा रेस्क्यू करके पीड़ितों को धर्मशाला में पहुंचाया जा रहा है, जहां उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था है और जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसमें संज्ञान लेगी और नुकसान की भरपाई होगी। और निकालने में हमारी एसएसपी लगी है, स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है और
सब लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि सब लोग सुरक्षित जगह में जाएं, बाढ़ किसी को पहचाने के लिए, और उनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था करवा रखी हम लोगों ने। उत्तराखंड में 18 अक्टूबर से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर काली नदी का जल स्तर बढ़ गया है और सामान्य जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। टनकपुर गांव में काली नदी के तट के पास बढ़ते जलस्तर ने आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी है। नागरिकों को सूचना पर पंचशूल ब्रिगेड की 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को 2 बाढ़ राहत टीमों को जल्दी सक्रिय किया गया और टनकपुर के शारदा घाट गांव और अम्बेडकर नगर गांव में बचाव कार्य चलाया गया। भारतीय सेना ने अपनी परंपरा पर खरा उतरते हुए 4 घंटे का लंबा बचाव अभियान पूरा कर लिया है। सितारगंज क्षेत्र में भारी बारिश के चलते बेगुल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं किसानों की धान की फसल भी खराब हो गई है, बर्बाद हो गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं राजस्व और पुलिस के जवान लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रों के दौरा करना शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासन के द्वारा पीड़ितों के रहने और खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। जो भी आबादी वाले क्षेत्र हैं उनको जल भराव से और किसी भी आपदा उनको बचाया जा सकती है। बहुत ही प्रभावित हुए हैं, इसके कारण हम वहाँ से इस जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। झारी गांव है, इस जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। हमारे लिए ये कि यही स्थान रह गया, इसीलिए हम लोग वहाँ से सारे जनप्रतिनिधि एक साथ जाके वहाँ से सबको लेके इस जगह पे हम लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर 4 दिन से अलर्ट के बाद आज हरिद्वार में गंगा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके कारण बाढ़ के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया गया। वहीं एसडीओ का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से गंगा नदी अपने निशान से 4 पॉइंट ऊपर बह रही है, जिसके लिए निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। कभी ऊपर भाग रहा है, कभी नीचे भाग रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कहीं पे भी आप लोगों को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि बहुत कोई जरूरी काम है तब तक। और गोला पुल जो है उसका एक हिस्सा एक तरह से पूरा टूट गया है, उन्होंने ट्रैफिक को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है और जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उन लोगों को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। रात से ही शिफ्ट करने का सिलसिला जारी है, बहुत संख्या में लोग शिफ्ट भी किए जा चुके हैं आसपास के स्कूल्स और कॉलेजेस में। देखिए आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं कि गोला में बहुत ही ज्यादा पानी आया हुआ है, जिसके कारण जो हमारा अप्रोच है ब्रिज का वो पूरा तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। तो पूरा हम लोगों ने यहाँ इसको सील कर दिया है और हमारी एनएचआई की टीम और हमारी पीडब्ल्यू की टीम अभी मौके पर है, ये निरीक्षण कर रहे हैं इसका। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित
उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। खुदी को आजमाया है। देखिए बस स्वागत आपका रुख करते हैं अगली खबर की ओर। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से रायवाला गांव के पास तीन जो गांव हैं, तीन वन गुजर परिवार 22 लोग टापू में फंस गए हैं। रायवाला पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने राफ्ट के द्वारा रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित निकाला है। बताया जा रहा है कि यह गुजर अपने मवेशियों के साथ उत्तरकाशी के हरिद्वार जा रहे थे, गुजर रहे थे। इसी दौरान रात्रि विश्राम के दौरान गंगा नदी के बीच रुक गए। मंगलवार को सुबह अचानक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से ये टापू पे फंस गए। फिलहाल सभी लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। हम ऐसे फंस के हम उत्तरकाशी से आ रहे थे और यहाँ एक दिन के लिए रुके थे। हमारे को पता नहीं लगा है, हम दिन में आए थे, अब रात को निकल जाना था। हमने जितना हम निकलने की सोच रहे थे इतना पानी बढ़ गया। फिर हमने हरिद्वार पहुंचना था, फिर फंस के फिर पुलिस ने हमारी सुविधा करी। हमने फोन करा पुलिस के पास में, हमने उसने हमारी सुविधा करी, अब उन्होंने निकाला हमारे को आगे 9 बजे। उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसानों के धान और तिल की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बीते वर्षों के मुकाबले इस वर्ष धान और तिल की फसल काफी अच्छी हुई थी और पककर तैयार थी, लेकिन बारिश से खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। अभी पहले जानवरों से बचा होने दिन परेशान हम था, अब ये प्रकृति हम तो परेशान कर यार, कब तक जूझा दे किसान। तो ये हम सरकार से वो चाहिए कि हम दे कुछ थोड़ा मुआवजा दिए जाल जरूर का नुकसान हुई हुए कमर भरपाई करे जाए। ये तो रेख देख कर मन के कर कनकर वितरण कर उदार गड़ियों लाला लुख मान अब कनकर दिए हम। पूरी फसल जो तैयार थी वो इस समय पर पूरी तरह से तहस नहस हो गई है और इसको अभी ये देखा जा रहा है कि अगर बरसात 1-2 दिन और अगर रहती है तो पूरी तरह ये फसल पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। देहरादून में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों अब एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर कई आरोप लगाए। हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में कांग्रेस छोड़ने के बाद हरीश रावत ने उन्हें जेल में डालने की पूरी कोशिश की। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिरकार इतने दिनों बाद मैं हरक सिंह रावत को इस तरह की यादें क्यों आ रही हैं। कैसे राजनीति में ठीक है चुनाव है, एक दूसरे के खिलाफ हम चुनाव लड़ते हैं, आरोप प्रत्यारोप में हम भी दूध के धुले नहीं है, हो सकता हमसे कुछ गलतियां होती हूं, लेकिन आप राजनीति में इतने बदले की भावना से, एक तरह हम इसको देवभूमि कहते हैं और दूसरी तरफ आप इस देवभूमि में इतने षड्यंत्र करो, आप इस तरह के वो करो, तो ये ठीक नहीं है। बातों को 10 साल पहले की बताकर या 5 साल पहले की बताकर अपने पक्ष में तथ्य पेश किए जाएं तो उन तथ्यों की विश्वसनीयता नहीं होती।
वो तथ्य जो ऐसे हो कुछ, तो वो ताबड़तोड़ उस बार अगर उसी समय कहे गए होते और उस पर जांच होती, उसकी सच्चाई सामने आती तो कुछ बात होती। अब इतने सालों के बाद कोई कह रहा है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि अविश्वसनीय बात। उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दुसानी ने कहा है कि प्रदेश में जिस तरह से रेड अलर्ट जारी है और जैसे हालात हैं, इसको देखते हुए सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। अब ये कार्यक्रम 21 अक्टूबर से होंगे। जारी हो रखा है, उसके मद्देनजर लोगों की जान जोखिम में डालने वाली बात होगी यदि हम कार्यक्रमों को अनवरत जारी रखेंगे, क्योंकि इसमें काफी दूर दराज क्षेत्रों से लोगों को पहुंचना था, तो ऐसे में वेदर फोरकास्ट के मद्देनजर हमने इस कार्यक्रम को 19 तारीख से 21 तारीख के लिए स्थगित किया है। खबर देहरादून से है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री बाबा केदार के दर्शन के साथ ही धाम पर द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास कर सकते हैं। एक महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा उत्तराखंड दौरा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के चलते पिछले साल केदारनाथ धाम नहीं आ पाए थे। देहरादून में मंत्री यशपाल आर्य की विदाई के बाद खाली पड़े पद पर सीएम ने विराम लगा दिया है। उनके जाते ही भाजपा के दलित विधायक खजान दास, रामचंदन दास और सुरेश राठौर सक्रिय हुए थे। यहां सीएम ने परिपक्व रूप दिखाते हुए साफ कर दिया है कि यशपाल के पास रहे विभाग सुरक्षित हाथों में यानी उनके पास रहेंगे। सीएम ने भले ही सभी को शांत रखने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला हो, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि इससे भाजपा और कांग्रेस मूल के उन विधायकों में असंतोष बढ़ेगा जो बार बार दिल्ली दरबार की परिक्रमा कर रहे हैं। सरकार का काम अच्छे प्रकार से चल रहा है तो वे बिना निस्तार के अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। मुख्य विषय सरकार के द्वारा कार्य करने का है और अगर मुख्यमंत्री जी को समाधान हो गया है कि बिना विस्तार किए हुए भी काम ठीक दिशा में प्रगति पर है तो वे बिना मंत्रिमंडल का विस्तार किए हुए इस काम को रहा सकते हैं। देखिए, कैबिनेट का विस्तार करना न करना माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार में है, लेकिन क्योंकि यशपाल आर्य जी ने जिस तौर से भाजपा सरकार में और मुख्यमंत्री में अविश्वास व्यक्त करते हुए सरकार से इस्तीफा दिया है, उसकी वजह से कैबिनेट में जो एक पद खाली हुआ है उसको लेकर के तमाम भाजपा के विधायक से लेकर और जो कांग्रेसी गोत्र के विधायक भाजपा में गए हैं उन लोगों के मन में एक बड़ी लालसा थी कि हमें कैबिनेट में जगह मिलेगी। मसूरी में धूमधाम के साथ महर्षि वाल्मीकि मंदिर का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर हवन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया गया। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन हुआ। मैं अपने समस्त पूरे वाल्मीकि समाज को क्या दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करूंगा और क्या दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसके पश्चात आज हमारा भंडारे का कार्यक्रम है, कल हमारा प्रकट दिवस हमारे गुरु जी का, कल हम क्योंकि वो कोविड-19 की कुछ शर्तें हैं। मूर्ति की स्थापना जो हुई थी आज के दिन हुई थी और कल हमारा प्रकट दिवस है, जो मूर्ति को हम हवा लगाएंगे। कोरोना काल में हम जुलूस नहीं निकाल ले क्योंकि सबके सरकार की उसका हमें फॉलो करना पड़ता है। हम तो सिर्फ उनके कर कमलों पे चल रहे हैं, आगे चल पाए। खबर पिथौरागढ़ से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हड़खोला पैतृक गांव का एक दिवसीय दौरा कार्यक्रम बारिश के चलते निरस्त हो गया। दरअसल हड़खोला में आज के दिन हरिचंद मंदिर में विशेष पूजा की जाती है जिसमें शामिल होने के लिए सीएम को जाना था। हालांकि कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल हड़खोला पहुंचकर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर के हड़खोला में उनके दर्शन हुए। आज चतुर्दशी के इस पर्व पर यहाँ पर मेले का जो यहाँ पर बहुत सारे गांव के लोग इस मेले में आए हैं, सबका मेले में जितने भी लोग होंगे सबसे उनके दर्शन हुए। इस मेले में जितने लोग आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।